जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें कि बुधवार की शाम दरौली प्रखंड के करोम पंचायत के भवना गांव के समीप से ग्रामीणों ने ट्रक पर लदा सरकारी अनाज पकड़ा। ग्रामीणों के तस्करी के लिए अनाज ले जाने की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद अनाज को ट्रक सहित थाने पर ले जाया गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक ट्रक पर तकरीबन 250 बोरी चावल है। चावल की बोरी व ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम का टैग लगा हुआ है। ऐसे में अंदेशा है कि मैरवा गोदाम से अनाज निकला है, जो तस्करी के इरादे से ले जाया जा रहा था। हालांकि ग्रामीणों के आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सदर SDO सुनील कुमार ने कहा कि अनाज सहित ट्रक मिलने की सूचना मिली है। मार्केटिंग मैनेजर को जांच के लिए कहा गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि कोटेदारों तक अनाज ले जाने के लिए ट्रक से ले जाया जा रहा था। हालांकि गोदाम से निकासी संबंधित ऑनलाइन सूचना दर्ज नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर कार्रवाई होगी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस जो है इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस तरह के ग्रामीणों का बयान आ रहे हैं। फिलहाल बने रहिए खबरों के साथ। ये खबर अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक बार शेयर कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।